सकी
ये गिला करूंगी मैं उम्र भर, मेरा क्यों न काटा लईन से, मैं हुसैन को ना बचा सकी। हजरात, आज बनारस की सरजमीं पे हमारा मुंजाल भी है ये, और हमको बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे उस्ताद जनाब शराफत खान साहब, हम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते, कभी जौनपुर आते हैं तो ज़रूर मुलाकात होती है, स्पेशली आते हैं हमसे मुलाकात करने के लिए, उनका बड़कपन है। हजरात बिलखसूस आबिद बीमार मौला सज्जाद के सदके उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग ऐसी हस्ती बहुत कम इस दुनिया में पैदा होती है, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं, और बड़ा मुश्किल है उस लेवल तक, उस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बिलखसूस दुआ है मौला अब्बास करबला वालों के सदके उनके लिए बिलखसूस दुआ कीजिए। और उस्ताद यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इजाज़त, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे नवा खानी पेश करना, नवा पढ़ना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत शर्फ की बात है। और सईद भाई ने बहुत, हमारे बड़े भाई ने बहुत मोहब्बत की, और फिर से दोबारा इस सरजमी पे इस इमाम बारगाह में हम लोगों को मधु किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात नवा समाप्त फरमाएँ। करबला के मैदान पे एक एक करके जब सारे मोहसिन और अंसारे हुसैन शहीद हो गए, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि हम शक्ल पैगंबर, लैला का दिल का चैन आखिरी रुख्सत को आता है। हाय जैनब की 18 साल कमाई लुटने वाली, एक ज़ईफ़ बाप से उसका करियर जवान बेटा
बिछड़ने वाला। आज मैं बनारस की सरजमीन पे ये नहीं कहूंगा कि साहिब औलाद का मजमा है, बल्कि मैं अपने नौजवान भाइयों से मुखातिब होना चाहूंगा और कहूंगा कि एक बेटे का दिल रखते हुए एक बाप की कैफियत जरूर समझे। जैसे जैसे औलाद जवान होती है ना, बाप के दिल में अरमान पलने लगते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो रोजी के सिलसिले से परदेश को जाते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बूढ़ा बाप पीछे पीछे जरूर आता है। मेरा मौला भी जनाबे अली अकबर के पीछे ठोकरे खाता हुआ पीछे पीछे गया, मगर एक फर्क था, मेरे मौला को मालूम था कि उनका लगते जिगर अब लौट के ना आएगा। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, है मौला, आपके जैसा साबिर ता कयामत दुनिया ना देखेगी। बस इसी पसे मंजर को जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब ने नौहे में नकल किया है। नौहा आपके समातों के हवाले है, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। मातम हुसैन। आपकी आंखें नम भी हो गई तो हमारा यहाँ आना, यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बतौरे खास जहां जहां तक काम है, बतौरे खास खुदा।
सड़क पे मालूम है दुश्मन है जमाना अली अकबर मालूम है दुश्मन है जमाना जय
अकबर मेरे दिले से लगाओ आ फिर तुझे अकबर मेरे दिले से लगाओ क्या मुझ पे गुजरती है मेरे से पहले अजलाए
के फरजंद से पहले अजलाए बेटा ही सदा बाप की मैया को उठाए खुदा हाफिज खुदा हाफिज अली अकबर अकबर खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ अली आखिरी बार मत न दिखाए रोते थे हुसैन इब्न अली सर को झुकाए रोते थे हुसैन इब्न अली सर को झुकाए अकबर ने जो देखा तो सुख खुदा हाफिज मेरे बाबा खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज मेरे बाबा खुदा हाफिज आसिफ कभी तकदीर को लिखा अब देख न पाएगी कभी भाई को सुगरा हट जाएगा इस गाम से शहे नी का कलेजा हट जाएगा जदाकल्ला जदाकल्ला मौला सलामत रखे मातमी दस्ता माशाल्लाह जदाकल्ला 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 माशाल्लाह Yeah.